नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव भारती आज पर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेकर आया हूँ। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है कि धनतेरस पर एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, अब जितने भी शब्दों में पूछा जाए, 40 शब्दों में, 35 शब्दों में, 50 शब्दों में, 60 शब्दों में, आप उसी के अनुरूप लिख दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर शब्दों का वो उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि परीक्षा में अलग अलग समय पर मैंने देखा है शब्दों की सीमा बढ़ती घटती रहती है। तो प्रश्न जिस प्रकार से पूछा जाए वैसे ही करना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देंगे उत्तर। उत्तर लिखने के बाद एक बना लेंगे आप ऐसे बॉक्स, जैसे ये बना है ऐसे इसी तरह से बॉक्स बना लेंगे, जैसे ये बना है इस तरह से। ठीक है, ये बॉक्स आप पेन और स्केल की सहायता से बना सकते हैं। उसके बाद फिर क्या करना आपको है, ऐसे इस तरह से आपने ये क्या कर लिया, ये धनतेरस लिख दिया और इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया। ऐसे हाथ से आसानी से हम कर सकते हैं। उसके पश्चात धनतेरस लिखने के बाद फिर लिख देंगे नीचे धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस ये लिख दिया, हार्दिक शुभकामनाएं ये। तो जो धनतेरस लिखेंगे इसे क्या करेंगे, हमेशा बड़े और बोल्ड अक्षरों में लिखेंगे। उसके पश्चात फिर हम एक बॉक्स बना लेंगे, उसमें लिख देंगे सभी देश और प्रदेश वासियों को आस्था व विश्वास के पावन पर्व पर धनतेरस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः लिख दिया। उसके पश्चात फिर नीचे भारतीय क्लब मुंबई भारत, यानी ये जो धनतेरस की शुभकामनाएं दी गई किसके द्वारा, तो भारतीय क्लब मुंबई है उन्होंने दिए। यानी जिसके अगर प्रश्न में पूछा जाए कि किसकी तरफ से बनाना तो उसका उल्लेख कर देना, अगर नहीं पूछा जाए तो वैसे आप किसी का भी उल्लेख कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये देखो विज्ञापन क्या हो गया, इस पर शुभकामना देनी थी तो बहुत ही साधारण सा और कम से कम शब्दों में बहुत आसानी से बन गया। तो इसमें अब ध्यान क्या क्या रखनी है, एक तो ये कि जब ये शीर्षक लिखेंगे, इसको कहते हैं शीर्षक, इसे हमेशा बड़े और बोल्ड अक्षरों में लिखेंगे। ठीक, इसको भी बड़े अक्षरों में लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको नीले पेन से लिख देंगे और ऐसे ये स्वास्तिक का चित्र भी बना देंगे धनतेरस पे, तो अच्छा रहेगा। अब कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी होगी, जो आप ये लिखेंगे शब्द, हमेशा इसमें ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो सरल हो और शुद्ध लिख पाते हैं। इसमें कभी कठिन या मुश्किल शब्दों का प्रयोग ना करें, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो आप आसानी से सही और शुद्ध लिख पाते हो। अगर आपने कठिन और मुश्किल शब्दों का, डिफिकल्ट शब्दों को लिख दिया और उसमें अशुद्धियां आ गई तो क्या होते हैं, नंबर कट जाती है। इसीलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखना, आप इस विज्ञापन को अपने रफ कॉपी में दो बार बना लो देखकर, फिर तीसरी बार बगैर देखकर बनाओ और फिर मिलान कर लो, जो जो कमियां रह गई हो उनको सुधार लो। ऐसे अगर आप अभ्यास करेंगे तो बहुत ही कम समय में आप बहुत आसानी से अच्छा विज्ञापन बनाना सीख जाएंगे। तो ये देखो हो गई विज्ञापन से संबंधित बातें। अगर उसके मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी कई विज्ञापनों के लिंक दे के रखे हैं, आप जाकर उन विज्ञापनों को समझ और सीख सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।